अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर ऐसे दो बड़े ऐलान किए हैं जिन्होंने कई देशों को हैरान कर दिया है। भारतीय स्टूडेंट्स जब अमेरिका में पढ़ने आएंगे उन्हें उसी वक्त डिग्री के साथ मैं ग्रीन कार्ड दे दूंगा। एज इंडियन सोसाइटी ग्लोबली इज विल बी टेकन इंडियन सोसाइटी ग्लोबली विल बी टेकन एज ए सोसाइटी विच कैन इंटीग्रेट। ये है आज। अब पाकिस्तानीज दे कांट गेट इंटीग्रेटेड, वो इंटीग्रेट नहीं होते, उन्होंने पैरेलल फिफ्टम्स क्रिएट की हुई हैं। अमेरिका में ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा। इसको ऑब्वियसली चाइना भी बड़े गौर से देख रहा होगा, बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा होगा, और सिमिलरली ताइवान भी, क्योंकि ताइवान और एक ऐसा इशू है चीन और अमेरिका के दरमियान कि ये बहुत सी चीज़ों को अपेंड कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, अब आप सबको पता होगा कि ट्रंप जो है वो खुलकर बोल रहे हैं और जो बाइडेन वाली साइड है, ठीक है, मतलब कि डेमोक्रेटिक साइड, मतलब बाइडेन तो हट गए हैं प्रेसिडेंट पद की दावेदारी से, लेकिन उनकी तरफ से एक चीज बोली जा रही कि अगर ट्रंप आ गया तो डेमोक्रेसी बंद हो जाएगी, उनका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा। कुछ याद आ रहा है आपको कि भाई जैसे इंडिया के अंदर ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव बोला करते थे कि भाई इंडिया के अंदर अगर उनको 400 सीट आ गई तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, या फिर कहे कि संविधान बदल देंगे, या फिर कहे कि कभी इलेक्शन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। जो भी हो, लेकिन ट्रंप का कहना यह है कि आने वाले दिनों में इंडियंस जो है वो हमारे लिए एसेट है और उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। क्योंकि देखिए, अब अमेरिका के अंदर कंसेप्ट है कि वो जहां कहीं के लोग हो, जैसे पाकिस्तानी हो तो क्या अमेरिकन पाकिस्तानी, अमेरिकन इंडियन, इंडियन अमेरिकन, इस टाइप का कुछ ना कुछ वो कहा जाता है। अब इंडियंस पर इतना भरोसा हो चुका है, चाहे यूके हो, फ्रांस हो, यूएस हो, किसी भी कंट्री में हो, वो खुलकर वेलकम कर रहे हैं, चाहे इसराइल हो। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई ट्रंप जो है आने वाले दिनों में जब वो इलेक्शन जीत कर आएंगे तब इंडियंस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर ऐसे दो बड़े ऐलान किए हैं जिन्होंने कई देशों को हैरान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर पहला ऐलान अपने ऊपर हुए हमले से पहले किया था, तो दूसरा ऐलान हमले के बाद कर दिया है। ट्रंप का दूसरा ऐलान तो इतना शानदार है जिसने भारत के दुश्मनों को बेचैन कर दिया है। ट्रंप का पहला फैसला, ट्रंप ने कहा है कि हमें भारत के लोगों को अमेरिका में संभाल कर रखना होगा। ट्रंप ने वादा किया है कि मैं ऐसा सिस्टम लाऊंगा जिसके तहत भारतीय स्टूडेंट्स जब अमेरिका में पढ़ने आएंगे उन्हें उसी वक्त डिग्री के साथ मैं ग्रीन कार्ड दे दूंगा। तो ये भारत के लिए एक बड़ा फैसला माना जाएगा। बहरहाल अब डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे ऐलान के बारे में भी सुन लीजिए। इस ऐलान ने दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। एज इंडियन सोसाइटी ग्लोबली इज विल बी टेकन इंडियन सोसाइटी ग्लोबली विल बी टेकन एज ए सोसाइटी विच कैन इंटीग्रेट। ये है आज। अब पाकिस्तानीज दे कांट गेट इंटीग्रेटेड, वो इंटीग्रेट नहीं होते, उन्होंने पैरेलल फिफ्टम्स क्रिएट की हुई हैं। दे मीट एंड ग्रीट, मतलब वो बड़ी मुश्किल से उनको गोरा मिलता है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, कभी कभी जब इन्होंने पाकिस्तानियों ने कोई इस तरह के फंक्शन करने हो जहां पे वो दे वांट टू शो कि भाई हमारा जो है ना वो ऐसी चीज है, तो वो उनको मुश्किल पड़ जाती है गोरे ले आने च। चंगे जे गोरे भी चार लै आवो यार शादियां दे फंक्शन दे, ताकि लगे हम अमरीका में है। ज्यादा सारे इंडियन वो पाकिस्तानी होते हैं, या मुश्किल से कोई इंडियन आ जाएगा। बंगालियों के साथ भी लंबी चौड़ी नहीं होती, या नेपालियों के साथ भी नहीं होती, इंडियंस के साथ होती है इनकी। सो आई थिंक दिस इज वॉट अ डिफरेंस शुड बी। ये चीज है जिसको करने की जरूरत है कि आपको यू नीड टू इमर्ज एज ए क्लास, एज ए सोसाइटी, एज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव इन मल्टी कल्चरलिज्म। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी साल नवंबर में होने जा रहे चुनावों में उप राष्ट्रपति पद के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जिसका भारत और हिंदू धर्म के साथ जबरदस्त कनेक्शन है। हम जेडी वेन्स है। ये लगभग तय माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार राष्ट्रपति बनेंगे और जेडी वेन्स उपराष्ट्रपति। ऐसे में अचानक जेडी वेन्स के बारे में पूरी दुनिया उत्सुक हो गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया में तो जेडी वेन्स को भारत का दामाद तक कहा जा रहा है। जेडी वेन्स की भारतीय कपड़ों, टीके और माला वाली ये फोटो जबरदस्त वायरल हो रही है। जेडी वेन्स कौन है, उनका भारत से क्या कनेक्शन है, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। जेडी वेन्स ओहायो से सीनेटर हैं।
जेडी वेन्स एक लेखक और निवेशक भी हैं। भारत में अचानक जेडी वेन्स को लेकर चर्चा शुरू हो गई है क्योंकि जेडी वेन्स तो भारत के दामाद हैं। जेडी वेन्स ने भारतीय मूल की एक हिंदू महिला से शादी की है। जेडी वेन्स की पत्नी का नाम उषा चिलुकुरी है। हाल ही में जेडी वेन्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुश्किल समय में मेरी पत्नी का हिंदू धर्म कई बार मुझे बड़े फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है। जेडी वेन्स तो इसराइल के भी कट्टर समर्थक हैं। उन्होंने जगह जगह पर फिलिस्तीन और हमास का झंडा दिखाने वालों का विरोध किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि जेडी वेन्स अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर भारत, रूस और इसराइल के प्रति कई बड़े सकारात्मक फैसले ले सकते हैं। हमें जो है वो इंगेज करना है, हमें इंटीग्रेट करना है, हमें कोलैबोरेट करना है, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ये है वो चीज, इस चीज पे काम करने की जरूरत है दोस्तों। भारत की आप ये समझ लें कि एक लक है कि जो भारत का डायस्पोरा है वो जिसे कहते हैं ना फर्स्ट क्लास रिप्रेजेंटेशन करता है दुनिया के अंदर। अब कैमला हैरिस जो है, शी इज अ फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन that she will be contesting for the presidential elections. First woman of Indian origin. और आपको पता है कि कल जो बाइडन साहब ने जो ड्रॉप आउट कर गए हैं, he is not contesting election because of his health, लेकिन उन्होंने सपोर्ट कर दिया कैमला हैरिस को as a presidential candidate अपनी डेमोक्रेट पार्टी के लिए। अब इंडिया के लिए बहुत बड़ी एक्सेस भी है। अमरीका में ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा। इसको ऑब्वियसली चाइना भी बड़े गौर से देख रहा होगा, बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा होगा, और सिमिलरली ताइवान भी, क्योंकि ताइवान और एक ऐसा इशू है चीन और अमरीका के दरमियान कि ये बहुत सी चीज़ों को अपेंड कर सकता है। तो ताइवान का एक लिहाज से जहाँ ट्रंप के होते हुए चीन और अमेरिका के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उसमें तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर जिस तरह के चाइना ने बहुत सी रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तैयारी कर रहे हैं कि 2027 में वो अगर ताइवान खुद शामिल नहीं होता, वापस मेनलैंड से यूनिफाई नहीं करता, तो फिर हम इसको ताकत के ज़रिए लेंगे, तो ये एक रिपोर्ट्स चल रही हैं। तो मुमकिन है कि अगर ट्रंप जीत जाते हैं और ट्रंप 47th प्रेसिडेंट होते हैं अमेरिका के, जो जीडी वैंस हैं वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं ट्रंप के साथ, उन्होंने तो ये कहा है कि ताइवान यूक्रेन से ज़्यादा अहमियत है अमेरिका के लिए, लेकिन ट्रंप क्या समझते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ट्रंप का रवैया हम जानते यही हैं कि वो अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते अमेरिका को। उनका ख्याल यही है कि जो दुनिया भर में जंगें हो रही हैं उसे अमेरिका को कोई लेना देना ही नहीं है, अपने आप को विड्रॉ करें, बल्कि जहां कोशिश हो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। तो उनका ये एक पर्सपेक्टिव है और इसी वजह से उन्होंने माजी में नॉर्थ कोरिया से भी, बल्कि हाथ में लाया उनके लीडर से किम जोंग उन से। तो चाइना और अमेरिका के इकोनॉमिक रिलेशंस में तो प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें टैरिफ भी लगेंगी और बहुत से काम हो सकते हैं, लेकिन अगर इकोनॉमिक ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, टेंशन बढ़ती है, और क्योंकि ताइवान भी इस वक्त अपने आप को देख रहा होगा, वो तो ट्रंप को खुश करने के लिए मज़ीद इन्वेस्टमेंट लेकर आया। पहले भी वो ताइवान जो सबसे बड़ी दुनिया की है, ताइवान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो इस वक्त एरिजोना में अपने को प्लांट लगा रही है, बल्कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ $6 बिलियन दिए हैं इस कंपनी को ताकि वो यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप अमेरिका में लगा सकें। तो ताइवान मजीद है कुछ अपनी जेब से भी खर्च कर अमरीका में ट्रंप को खुश करने के लिए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आए, फिर अपने डिफेंस पे भी वो ज़्यादा खर्च करे, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसके बारे में बहुत सेंसिटिविटी है मेनलैंड चाइना में। दूसरी तरफ मैं कुछ पब्लिक ओपिनियन पोल्स पढ़ रहा था, उसमें ताइवान की जो लोग हैं, ताइवान के ताइवानीज जो हैं, वो अब ज़्यादा को इतना उनका रुझान नहीं है कि वो मेनलैंड चाइना से उसको ज्वाइन करें। सच्ची बात तो यही है,
उनका ख्याल ये है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और अगर जितने भी हम 22-25 मिलियन लोग हैं, हम यहाँ खुश हैं अपने आइलैंड में, हमारा अपना सिस्टम है, हमारे यहाँ हर 5-6 साल के बाद 4-5 साल के बाद इलेक्शंस हो जाते हैं, तो हमें मेनलैंड चाइना के पास नहीं जाना।